दोस्तों आज पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि आज नीरज चोपड़ा का महामुकाबला होगा, वहीं दोस्तों हॉकी में भारत का महामुकाबला सेमीफाइनल खेला जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों महामुकाबले भारतीय समय अनुसार कब कहां और कितने बजे खेले जाएंगे बताएंगे इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो में बने रहे। लेकिन दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि नीरज चोपड़ा एक बार फिर से भारत को स्वर्ण पदक जिताए तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जिस घड़ी का भारतीय फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो वक्त आ गया। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में आज उनका महामुकाबला होने वाला है। मंगलवार को बालक फेंक स्पर्धा में क्वालिफिकेशन दौर में अपना अभियान शुरू करने वाले हैं। अगर ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा स्वर्ण जीतने में कामयाब हुए तो भाला फेंक स्पर्धा में खिताब बरकरार रखने वाले पांचवे खिलाड़ी हो जाएंगे। इसके साथ ही ओलंपिक व्यक्तिगत वर्ग में दो स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनेंगे। तो दोस्तों आज नीरज चोपड़ा के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन होने वाला। वहीं आपको बता दें नीरज चोपड़ा का ये महामुकाबला 6 अगस्त यानी आज दोपहर को 3:20 पे खेला जाएगा। जबकि दोस्तों आज हॉकी के दो सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे, क्योंकि आज पेरिस ओलंपिक हॉकी में भारत का महामुकाबला जर्मनी से होगा। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात को 10:30 से खेला जाएगा। जबकि दोस्तों दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला स्पेन और नीदरलैंड के बीच होगा, ये मुकाबला शाम को 5:30 होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या नीरज चोपड़ा भारत को स्वर्ण दिलाने में कामयाब होंगे? वहीं क्या हॉकी में भारत सेमीफाइनल मुकाबले में जर्मनी को हराकर स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब होगा? आप लोग इसका जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारत आज स्वर्ण पदक जीते तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें। वहीं दोस्तों पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हर एक खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।